So the air is perfect. And I think I am visible to everybody. Or Jogi, how our Instagram kehta hai, first come. You are telling your followers that you have started a live video. Dilly boy, hello, hello, hello to the ones who just joined in. I am sure aapne abhi tak hamari story dekhi hogi. To aaj mere saath chakke chhodane ke liye koi special aane wali hai. Hello to everybody who is joining in. And I hope that you guys are having a good time. And like I said, there is someone very, very, very special. On 3, 2, 1. And she'll be on your screen too. Okay, no. Okay. This went like a flop. No, 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 she's there. Hi. Hi. How are you? I'm good, thank you. How have you been? Very good. I'm sorry I kept you waiting. Ghar ka Wi-Fi jo hai, wo pakshiyon ke saath collide kar raha tha. That's fine. I think in our busy schedules, we sometimes humko ye sunne mein bhi nahi aayega. पक्षियों के आई नो दिस इज सो नाइस. आपको आई डोंट नो अगर आप सुन पा रहे हैं. मैं सुन पा रही हूँ. है ना मेरे एंड स्पेशली हमारे यहाँ पर वो है पूरा का पूरा चिड़ियाओं के लिए अलग से घर बना हुआ है तो उनके वैसे भी ऐश चल रहे हैं. वेरी थॉटफुल क्योंकि समर के टाइम पे यूजुअली बर्ड्स दे ट्राई टू फाइंड शेड और पानी के लिए इतना सस्ते हैं. सो आई थिंक इट इज नेसेसरी इन टुडेज टाइम टू एटलीस्ट हैव समथिंग. थोड़ा बहुत बर्ड्स एनिमल्स के लिए हमको पानी रखना चाहिए. राइट एब्सोल्युटली. सो यू टेल मी अभी आप कितने ग्लास दिन में पानी पी रही हैं व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे फिट एज वेल बिकॉज़ आई थिंक क्या ज्यादातर ये होता है कि जब घर पे रहते हैं तो हम लोग पानी पीना इतना नहीं लगता है बिकॉज यू डोंट फील थर्स्टी. लेकिन हमको हाइड्रेट होना बहुत जरूरी है एंड स्पेशली समर टाइम पे यू गेट डिहाइड्रेटेड इजिली. तो इसीलिए आई मेक श्योर कि एटलीस्ट 4 लीटर्स ऑफ वाटर दिन में मैं एक बॉटल रख लेती हूँ और आई कीप सिपिंग वाटर. अरे वेरी नाइस. सो व्हाट एल्स आर यू डूइंग अभी क्वारंटीन के टाइम में. हाउ आर यू कीपिंग योरसेल्फ एंटरटेन्ड. आई वॉच नेटफ्लिक्स. आई रीड. थोड़ी बहुत पेंटिंग करती हूँ स्केचेस एंड प्लांट्स को वाटर करती हूँ हर रोज व्हिच आई डोंट डू यूजुअली. क्रिकेट इतना टाइम ले लेता है कि आई डोंट गेट टू डू दीज थिंग्स. पर अभी आई एंजॉय वाटरिंग द प्लांट्स एवरी डे. इट्स लाइक अ रूटीन. हर रोज सुबह उठती हूँ ट्रेनिंग करने के बाद आई कम डाउन एंड वाटर ऑल द प्लांट्स इन माय हाउस. ट्रेनिंग मतलब आप ट्रेन कहाँ कर रहे हैं. वेयर आर यू ट्रेनिंग. आई स्टे इन एन अपार्टमेंट सो आई ट्रेन ऑन द टेरेस. ओके सो लाइक सपोजेडली द वंस बिकॉज यू नो नाउडेज everybody is putting home workout videos. Even the ones who are not working out have started working out ki kuch to kare life mein. So few things jo aap beginners ko, the ones who are watching you right here, what are the few tips that you want to give ki yaar ye ye karo to stay fit in these days. See I think as an athlete of course being physically fit is important. But yes. in times like this which is uncertain and unusual for all of us, it's important that we need to be mentally calm, mentally cool. So I do simple breathing exercises every day. I start my workout with that and then I get into my physical activity of training with whatever limited resources I have. So I think if I have to tell people, they need to at least work on basic breathing exercise. It keeps you mentally calm. And also invest some time in your hobbies like sketching, reading. आजकल बहुत सारे लोग दे ट्राई डिफरेंट कुकिंग का जो डिशेज है दे ट्राई डिफरेंट कल्नरी स्किल्स. तो वो सब आप कर सकते हो टू कीप योर सेल्फ मोर पॉजिटिव इन इन सच एनवायरमेंट. सो आपने कुकिंग का नाम लिया, स्केचिंग का नाम लिया, वाटर प्लांट्स को करने का नाम लिया, डांस का नाम बीच में कहीं नहीं आया जबकि जहां तक मुझे पता है यू वर इनटू क्लासिकल डांस बिफोर एंड यू वांटेड टू बी अ क्लासिकल डांसर. या आई थिंक मैंने ऑफकोर्स क्लासिकल डांस तो मैंने 8 ईयर्स 8 साल सीखा है बट बिकॉज इट इज अ क्लासिकल डांस आई जस्ट कांट स्टार्ट ऑफ और यूज दैट एज अ एंटरटेनमेंट सोर्स फॉर मी. इट वुडंट बी अप्रोप्रिएट. पर दैट इज व्हाई आई हैव नॉट स्पोकन अबाउट डांस बिकॉज आई लेफ्ट डांस व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड वे बैक. सो या कैन आई टेक द लिबर्टी ऑफ आस्किंग यू टू शो मी जस्ट वन स्टेप. वी रियली वॉन्ट टू सी
कि जो बंदी चौके छक्के स्टेडियम में लगाती है उनका एक डांस स्टेप कैसा होगा लाइफ में, सब पागल हो जाएंगे एक एक स्टेप अगर हो सके तो. मैं एक्चुअली कर नहीं पाती, आई कैन नॉट डू, क्योंकि एज आई सेड इट्स अ क्लासिकल डांस, सो यू हैव दैट पूजा सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड अरंगेटम व्हिच आई डिडंट डू, सो आई कैन नॉट रियली शो टू पीपल बिकॉज आई एम नॉट, यू कैन नॉट इवन शो, यू कैन नॉट इवन शो बाय द एक्सप्रेशंस, ऐसे ऐसे वाले कैसे होता है. Well, like? See, as someone who's learned, who's a trained dancer, I know it wouldn't be right for me to do it without the puja. Yeah. So I, yeah, exactly. So. All right, great. So हमारे पास बहुत सारे सवाल भी आते जा रहे हैं for you. And since I put a story also that we are going live, so I have like a series of questions all ready for me. A lot of people wanted to know ki why didn't you not become a dancer and why a cricketer? I've learned to dance first before cricket came into my life. But jab dono saath mein maine continue kiya during my school days, it was getting difficult. Kyunki dance mein kya hota hai ki aap tan ho ke nahi aa sakte ho. Cricket is a field game. Jo din bhar aap ground pe rehte hain. तो जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मैं डांस या स्टेज शो करूं, इट वाज कोइंसाइडिंग विद माय क्रिकेट टूर्नामेंट्स या कैंप्स. और एक साल ऐसा था कि 10th स्टैंडर्ड में आई वाज सिलेक्टेड फॉर द इंडियन टीम प्रोबेबल्स, वर्ल्ड कप प्रोबेबल्स. तो हर महीने मेरे कैंप होती थी. तो आई थिंक डांस टीचर को ये अच्छा नहीं लगा कि आई वाज फॉलिंग बैक इन द ग्रुप. तो उन्होंने कहा कि आपको एक डिसीजन लेनी पड़ेगी वेदर डांस आपको कंटिन्यू करना है कि क्रिकेट. आप दोनों साथ में नहीं कर सकते हो क्योंकि दोनों बहुत ही डिफरेंट है. तो क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रोबेबल्स में थी, इंडियन टीम के प्रोबेबल्स में, तो मुझे लगा कि कंटिन्यू करते हैं क्रिकेट, लेट्स सी कि वेयर विल आई गो. तो इसीलिए आई डिसकंटिन्यूड डांस एंड आई चोज क्रिकेट. सो दैट वॉज अ चॉइस आई मेड. एंड दैट चॉइस वाज इन व्हाट, इन व्हिच ईयर? इन 97. Oh, 97. Yeah. Oh, long. So ever since, have you even stepped on? मतलब घर पे ही आपने एक दो बार प्रैक्टिस करी है कभी? With पूजा and everything. I think क्योंकि even जब हम डांस क्लासेस जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, we start with puja. We do puja to our guru and then we start. So that's kind of a routine thing in dance. तो जब मैंने बंद कर दिया तो मैंने कम्प्लीटली बंद किया. I've never ever tried to do it anywhere on any platform. Alright, so coming back to cricket, your best moment in a field, your field cricket से जुड़ा हुआ best moment. Best moment तो हमेशा the first game रहता है, because you're wearing the India jersey and you're walking in to represent your country. और मेरा पहला game मैं as an opener represent किया था इंडिया के लिए, as an opening batsman मैं गई थी. वो series के बाद I've come down to number 3, लेकिन that will always remain one of those moments that I will always cherish. And of course, milestones रहे हैं. There have been good performance by the team in 2005 World Cup and 2017. Of course, dono World Cups mein we've been runners up. Very different World Cups, but I think it gave a sense of different perception for people to accept women's cricket in our country. And I think that also would be a defining moment for me in my career and for women's cricket. So women's cricket के लिए, so last year मैंने जब यहाँ पर 20 T20 matches हुए थे राजस्थान में SMS stadium में, तो मैंने वो host किया था as an entertainment MC. So I saw a lot of people were there, ठीक है. Then came women's T20 again इसके बाद. वो भी राजस्थान के SMS stadium में ही हुआ था. जो IPL आप बात कर, IPL sort of like Challengers Trophy. हाँ, पर IPL के बाद आया था women's T20. अच्छा, लास्ट ईयर इट वॉज इन अप्रैल. तो पर क्राउड उतना ज्यादा नहीं था आई सॉ. सो क्या कहना चाहेंगे द वंस हु आर वाचिंग यू राइट नाउ? अ लॉट ऑफ पीपल लाइक लिटरली दे आर राइटिंग यू आर अ गॉड ऑफ विमेन क्रिकेट, वी आर प्राउड ऑफ यू, यू नो वी लव यू एंड स्टफ लाइक दैट. सो व्हाट वुड यू आस्क पीपल, आई मीन यू नो हाउ वुड यू अर्ज देम कि स्टेडियम आए, या व्हाट वुड यू वांट टू से देम एज अ विमेन क्रिकेटर? See, a lot of people when in today's time if they talk about cricket, तो फिर वो men और women दोनों को साथ में compare करते हैं कि men में ऐसे मारते हैं, इतना speed में डालते हैं, women में इतना नहीं होता है.
बट मुझे लगता है कि लोगों को वुमेन्स क्रिकेट को एक सेपरेट स्पोर्ट लाइक एन एब्स्ट्रैक्ट स्पोर्ट की तरह देखना है, एक क्रिकेट एंटरटेनमेंट, ना कि कंपैरिजन करेंगे तो वो डिसअपॉइंटमेंट ही रहेगा उनके लिए. तो मुझे लगता है अगर आप वुमेन्स क्रिकेट देखने आ रहे हैं स्टेडियम में तो डोंट एक्सपेक्ट कि मेंस के हिसाब से होगा. इट्स अ डिफरेंट स्पोर्ट और आपको वुमेन्स क्रिकेट को एनकरेज करना चाहिए बिकॉज लड़कियां भी उतनी ही मेहनत करती हैं. एंड yeah, I think it is, and off late in like 3-4 years, Indian team काफी अच्छी कर रही है. There have been very good youngsters coming in, और ये एक platform भी रहेगा अगर लोग आते हैं, encourage करेंगे लड़कियों को देख cricket खेलते हुए encourage करेंगे, तो बहुत ही छोटे छोटे लड़कियां जो school में होती हैं, उनको inspiration मिलेगा कि अच्छा मैं भी कभी ऐसे स्टेडियम पैक स्टेडियम में खेलना चाहूंगी, या फिर ये एक इंस्पिरेशन रहेगा. तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि एज अ प्लेयर भी हम अच्छा स्टैंडर्ड पुट अप करें और लोग भी टर्न आउट हो स्टेडियम में वुमेन्स क्रिकेट और वुमेन क्रिकेटर्स को एनकरेज करने के लिए. सो यू सेड कि बहुत सारी नई ऑफ कोर्स जनरेशन भी आती जा रही है, हर महीने नए नए क्रिकेटर्स जुड़ते जाते हैं. सो पुराने विमेन क्रिकेटर्स और अभी के जो नए फ्रेश एकदम फ्रेश फेसेस आ रहे हैं, क्या डिफरेंस है उनके स्टाइल में या किसी भी चीज में? इज देयर एनी डिफरेंस? जैसे कि पुराने टाइम पे, क्योंकि हम लोग मैं वो प्लेयर हूँ जो बीसीसीआई के पहले भी डब्ल्यूसीआई था जहाँ पे मैंने खेला है, और जब बीसीसीआई ने टेक ओवर किया काफी अच्छे चेंजेस आए हैं वुमेन्स क्रिकेट में. अभी मैचेस बहुत ज्यादा खेलने लगे पहले से, जिसके वजह से एक्सपोजर जो है बहुत जल्दी मिलता है यंग प्लेयर्स को आज के टाइम में. और पहले जो होती थी, एज एन इंडिया प्लेयर भी मैंने मैचिंग विकेट्स और जो पार्क जैसे ग्राउंड्स में मैंने मैचेस खेले हैं, लेकिन आज के टाइम में जो यंगस्टर्स है उनको एकदम स्टेडियम के एनवायरमेंट में मैचेस खेलने को मिलता है. सो दैट इटसेल्फ बहुत ही अच्छा, वो एक इंस्पिरेशन रहता है यंग प्लेयर्स को कि एक इंटरनेशनल स्टेडियम में खेलना या अकेडमी में एक्सेप्ट होना, एनरोल करना, कोचेज उनको सिखाते हैं. तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी डिफरेंस है. और रही बात कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स भी हैं जहाँ पे बीसीसीआई जो है अपने प्लेयर्स को दे टेक केयर ऑफ देम. और अगर आप कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं तो आप साल में आपको सर्टन अमाउंट मिलती है. सो काफी लड़कियां हैं ऐसे जो क्रिकेट खेलती है जिसपे जो हम्बल बैकग्राउंड से है, जहाँ पे पूरा उनका घर का पूरा खर्चा उनपे ही होती है. तो ये कॉन्ट्रैक्टेड, अगर वो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर होते हैं तो उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी कि यू नो फैमिली भी देखें और खेलना भी है, तो इट लुक्स आफ्टर. इसके वजह से हम बहुत ही अच्छे प्लेयर्स को खो देते हैं. जैसे पहले ऐसा होता कि जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होती तो लड़कियां जो है 23-24 के बाद छोड़ देती हैं क्रिकेट, इवन दो वो बहुत ही अच्छी प्लेयर्स क्यों ना हो. तो अभी जो है प्लेयर्स का जो करियर है वो और एक्सटेंड हो रही है बिकॉज ऑफ मनी इन्वॉल्व, बिकॉज बीसीसीआई इज लुकिंग आफ्टर प्लेयर्स वेरी वेल. ब्रिलियंट. सो देयर आर पीपल हु हैव क्वेश्चनड मी अबाउट, वन ऑफ देम आस्क्ड जस्ट नाउ दैट शी इज 16, कैन शी एंटर क्रिकेट नाउ? शी इज 16. यस, 16 साल की है कि क्या 16 में क्रिकेट में आ सकती है? आई थिंक 16 इज इन टुडेज टाइम इज लिटिल लेट. Because you see, Shefali is 15 plus and she's already made a debut in the T20 format. So, मुझे लगता है कि आज जहाँ पे मैं जाती हूँ वहाँ पे बहुत ही छोटी-छोटी लड़कियाँ आती हैं, around 10-11 years old. तो मुझे लगता है कि she should start playing if she's so interested in the sport. Alright, so cricket sports में एक चीज और हमें देखने को मिलती है, at times it's called sledging. गुस्सा आ जाता है कई बार. सो कभी ऐसा कोई मोमेंट रहा है आपके साथ? वेल मोमेंट्स तो होते हैं ग्राउंड पे जहाँ पे आपको फ्रस्ट्रेशन होता है कि जहाँ पे आपने एक प्लान किया और वो वर्क नहीं हो रही है, या आपके कभी कभार मेन प्लेयर्स जो हैं उस समय जो प्लान के हिसाब से नहीं कर पाते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन होती है. पर अगेन एज अ लीडर इट इज इम्पोर्टेंट कि आप अपना कूल मेंटेन करें ग्राउंड पे, बिकॉज पूरा टीम आपको देखते हैं, प्रेशर सिचुएशन में लीडर को देखते हैं या कैप्टन को देखते हैं. तो उस समय अगर इफ यू आर नॉट काम तो टीम बिखर जाता है ग्राउंड पे, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर द टीम और द रिजल्ट. तो ऐसा होता है, मन में तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है पर मैं दिखाती नहीं हूँ ग्राउंड पे. अपनी भाषा में निकालने की कोशिश करते हो कि अरे कोई ना समझे, हिंदी नहीं है ये.
नहीं ऐसा मेरा ये एक मानना है कि जब आप खेल रहे हैं आप एज अ कैप्टन आप प्लेयर्स को हमेशा कॉन्फिडेंस देनी चाहिए, ना कि उनको ग्राउंड पे चिल्लाएं तो उनकी मॉरल थोड़ा कम हो जाता है. तो मुझे लगता है कि नो मैटर कितना भी जो इशू है या ग्राउंड पे जो भी प्लानिंग नहीं जाती है, तो आई थिंक मैं जो हूँ मैं अपना जो भी है एंगर वो जब मैं टीम मीटिंग में लेती हूँ, टीम मीटिंग में उनको समझाती हूँ कि यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए या फिर ये प्रोफेशनलिज्म नहीं था. लेकिन ग्राउंड पे मैं किसी पे चिल्लाती नहीं हूँ. ये एक मैं मेरा अपना रूल है कि ग्राउंड में कि जितना भी खराब क्यों ना हो सिचुएशन, टीम को हमेशा कॉन्फिडेंस ही देना चाहिए. Brilliant. So let me see how confidently can you speak something in Rajasthani for us, since aap Jodhpur born hai. So anything that you can speak in Rajasthani. एक वर्ड भी चलेगा सारे राजस्थान वाले खुश हो जाएंगे. Honestly, मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को बोला कि I'm not a Rajasthani. I was born. You're not, but you're born here. You were just born here. But yeah. I was just born. I didn't even like. I did all my schooling in Hyderabad in secondary batch. So I don't know not even a word in Rajasthan. Rajasthani. I'm sorry. Hello, khamma gani kachu nahi. Kuch nahi. All right. So, what language do you speak apart from Hindi and English? I speak Telugu. I speak Tamil. Tamil is my mother tongue, so I speak Tamil and Telugu. Oh, and there comes niche ek message from a Telugu fan. If you can speak something in Telugu, so सबको एक बार ही एक बार अपन करते हैं, एक बार हिंदी में, एक बार इंग्लिश में, एक बार तमिल में और एक बार तेलुगु में आपको बोलना है घर पे रहो. ठीक है. So let me start with mother tongue. Okay. Veetle irungo allaro. And Telugu. Intlo andaru undandi. Okay. Hindi, of course, ghar pe rahiye sabhi log. And stay at home, everyone. Yeah. Fantastic. Now, since I have tested your language skills, now I'm going to test how super rapid fire tarike se aap mujhe jawab de paati hai. I have 5-6 questions for you for a rapid fire. You ready? Yes. All right. So if Mithali gets a chance to do romance on screen, will it be with Shah Rukh Khan or Hrithik Roshan? Well, I will go with Shah Rukh Khan. Ah. Yeah. Any male athlete jinke upar aapka crush hai? Any sport? No, yeah. Honestly, I don't have crush on sportsmen. Anybody? Then not on sportsman, matlab I can have a next question. Then you have a crush on? Well, I still have crush on Robert Downing Jr. Because I still feel that, you know, he's very witty and I've always had crush on him from the beginning. Yeah. Brilliant. So your best buddy in your team? Well, my best buddy is already, she's retired in 2013. I don't have best buddy in the team because all of them are younger to me. And, you know, so I don't really have best friend in the team as such. But there are a few youngsters who are very chirpy and very lively. But my batch of players, my batch of friends have everybody retired. So. All right. So, jab ye hamara final hua, janna ki, you know, we are doing a live session with you. My producer got very excited, who is a part of this team, and he said, मुझे एक सवाल पूछना है, मेरी तरह से पूछ देना कि जैसे वो कई बार उसने देखा. So I go to gym, okay? So I'm an athlete. I go to the gym as well. I'm into bodybuilding. तो मैं काजल वाजल लगा के जाती हूँ बढ़िया. She's like, please पूछना कि क्या कभी she went on the ground with काजल and liner or lipstick or anything like this? Well, see, I did. Honestly, wear kajal, but it was more so to try because I've seen some of the foreign players wearing kajal and playing. So I was like, I told one of my teammates, let me also try wearing that and see how it is, whether it smudges or how. Because humko to aadat hai sunscreen dal ke khelne ka. Lekin something like kajal, I tried, but it was more of a T20 format mein kiya, kya, jahan pe short time up ground pe hai, not one day, jahan pe pura din up ground pe ho, to kabhi kabar aankh mein sunscreen chala jata hai. So you wouldn't want to take that chance. So yes, I did wear kajal couple of times playing T20.
सर ऐसा कभी होता है घर वापस आने के बाद मम्मी बिल्कुल ऐसे बेसन दूध में डाल देती है कि हाय पूरी टैन हो गई, हाय हाय? Well, fortunately, mummy is not that strict in terms of my complexion. She's okay. She said, but it's not about the complexion. It's not about the complexion. The problem is ki suntan in various ways is not good for the skin. Yeah, I mean, not if you mean sunburn, yes. Sunburn, yeah, you try all those aloe vera and stuff. Garkha jo nukte hote hain, you try that. But suntan, it is, kya bol sakte hain? You can't really help. Jitna bhi aap sunscreen bhi, hum kabhi kabha thuk thuk ke rakhte hain, we look white here. Par usse kuch hota nahi hai, you still get tanned. But yeah, it protects you from sunburn. Do teen bar aisa hua hai ki I've got lot of rashes and also I had to go to a dermo. But otherwise, I think it doesn't help. Yeah, I mean, aap literally 6 hours brown pe hote hain, so you have better. Yeah. So we have different shades of our browns, different shades of brown. Face make, all on the neck, in the hands, all different shades of brown. Yeah. Brilliant. So, before we say bye to you, what is that one message जो इस वक्त आप सबको देना चाहेंगी related to quarantine, how to take care of yourself or stay home or whatever you want to tell them? Well, I think I just want to say that everybody needs to follow the government laid rules. जो भी government है बोला है, I think it's best for all of us. I mean, it is definitely unprecedented times, uncertain times, very unusual and difficult, trying times for each one of us. And if we stay at home and maintain social distancing, not only it helps us and our family, but also your neighbor and everybody around. And I honestly feel this is the right time to show your patriotism to country by following what the government says in a true responsible citizen. I mean, काफी लोग कहते हैं कि as a cricketer, as an athlete, we wear India jersey and we feel very proud to represent our country. But for even common man, this is the time to show that you are a true Indian or true responsible citizen by following what the government says to the T. And we should not deter to any sort of violence, because of course government has उनके उनके हाथ इतने बिजी हैं. वी आर ट्राइंग टू गेट ऑल दोस इक्विपमेंट्स पीपी टू सी दैट वी यू नो प्रोटेक्ट पीपल ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम दिस वायरस व्हिच वी डोंट हैव क्योर येट. सो आई थिंक द बेस्ट थिंग इज टू यू नो मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एंड स्टे एट होम टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड पीपल अराउंड यू. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. इट वाज लवली स्पीकिंग टू यू. आई होप यू आल्सो हैड अ लिटिल फन. Well, I think yes, I also had fun, and it's great to come live, which I usually don't, but I enjoyed coming live and having a chat with you. Yeah. Thank you so much. Bye. Bye. All right. How does it go? And that's how. सो दैट वॉज मिताली विद अस. आई होप आप लोगों ने मजे किए. अब घर पे बैठिए, घर पे बैठे बैठे मजे करिए, कुछ नया ट्राई करिए, डांस फॉर्म ट्राई करिए, खाना कुछ नया बनाने का ट्राई करिए. रोज रोज अगर आप अकेले हैं, घर वालों से दूर जैसे मैं हूं, तो खिचड़ी मत खाइए. ईट समथिंग नाइस, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर. समर्स भी आ गए हैं एंड यस, हमें सुनते रहिए. सुपर स्टार 3.5 रेड एफएम पर बजाते रहो.